TV host and news anchor Arnab Goswami has made gigantic headlines after he alleged attack by two Congress goons on him. He first blamed Congress for attack, now he also blames Mumbai police for delayed action. In a video shot outside a Mumbai police station, Goswami said that the police is under Congress government as they are not ready to mention attackers as Congress members, despite attacker confession and security personnel's confirming that attackers are Congress workers. और मेरे साथ जो मुंबई पुलिस की मेरी सिक्योरिटी थी, उन्होंने मुझे बताया कि कांग्रेस के लोगों ने मेरे पे अटैक किया है। ये खुद हैं, आप आइए इधर, ये खुद मेरे साथ मेरे बॉडीगार्ड हैं, आर्म्ड बॉडीगार्ड। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के लोगों ने मुझ पर अटैक किया। आपको बोला कांग्रेस के लोगों ने मुझ पर अटैक किया, उन्होंने इनको बोला जब इन्होंने पकड़ा कि कांग्रेस के लोगों ने अटैक किया। जी बोला, आप इनको बताइए। मीडिया से बात नहीं करने देते तो ठीक है, मैं इनसे मगर इनको बोला। उसके बाद जो इधर अविनाश करके जो है डीसीपी है, उन्होंने मुझे बोला आप चिंता मत कीजिए, मैं पुलिस स्टेशन में जाके पूरा आपका लिखा दूंगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं एफआईआर में कांग्रेस का नाम नहीं ले सकता। मैं इधर पिछले 1.5 घंटे से हूं और मैंने बोला कि मुझ पर अगर जानलेवा अटैक हुई है एज ए जर्नलिस्ट, तो मैं चाहता हूं कि जिन्होंने अटैक किया उनका नाम लिया जाए। इधर 1 घंटे बोलने के बाद, बताने के बाद, हजारों बार मैंने बोला कि मैं गलत कंप्लेंट फाइल नहीं करूंगा, मुझे कंप्लेंट पे लिखना है जिन्होंने मेरे पे अटैक किया। तो अभी बहुत बोलने के बाद ये अभी एग्री किया है कि मेरा कंप्लेंट फाइल करेंगे, तो अभी एफआईआर में फाइल करूंगा मेरे पूरे अटैक के बारे में। जो आज सुबह 12:15 बजे जब मैं आज रात को अपने स्टूडियो से जब मैं घर जा रहा था, तब मेरे पे अटैक हुई है। मेरे गाड़ी को फॉलो किया गया, मेरी सिक्योरिटी मेरे साथ पीछे थी, रास्ता रोका गया और रोक कर उसके बाद मेरे शीशे को तोड़ने की कोशिश की। जो वहां पे लोग थे जिन्होंने अटैक किया, बाइक पे फॉलो कर रहे थे, रास्ते को ब्लॉक किया और उसके बाद मैं जब वहां से निकलने की कोशिश की तो शीशे को तोड़ने की कोशिश की, पहले मारने की कोशिश की और फिर उन्होंने कोई लिक्विड फेंक दिया। मुझे नहीं पता था तेजाब था, इंक था, क्या था, लिक्विड फेंका मेरे गाड़ी पर। और मैं जब वहां से निकलने की कोशिश की तो फिर और धक्का देने की कोशिश की, मैं वहां से जल्दी से अपने गाड़ी को निकाल के ले गया और उसके बाद उनको पकड़ा गया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुंबई पुलिस जिन्होंने मुझ पर अटैक किया उनको बचाना क्यों चाहती है, उन पर क्या राजनीतिक दबाव है। हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार है, मगर कांग्रेस की अगर सरकार है, कांग्रेस और शिवसेना, तो उद्धव ठाकरे जी मैं भी आपको पूछना चाहता हूं, एक जर्नलिस्ट पर खुलेआम इस शहर में सर अपने काम करने के बाद खुलकर अटैक होता है, आपके पुलिस पर दबाव क्यों है। इसलिए मैं कंप्लेंट फाइल करूंगा, कंप्लेंट को मैं पब्लिक भी करूंगा और मैं चाहता हूं इसके बारे में पूरे देश की जनता जाने। धन्यवाद। फॉर द अनवर्स्ट, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी एंड हिज वाइफ वर फिजिकली अटैक्ड लेट ऑन वेडनेसडे। Arnab Goswami in a video revealed that his car was chased by two bike-borne men who made abusive gestures, hit the car window, hurled a bottle while splashing a liquid before taking the car. News Desk.